रायबरेली उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा रायबरेली हरचंदपुर विधानसभा में जनसभा को किया संबोधित। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा रायबरेली के हरचंदपुर विकासखंड के अचलेश्वर रहवा में पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया, साथ में वर्तमान सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए सपा और कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, हमारे दो राजीव गांधी ने कहा था, आज केवल दो रह गए हैं और अब की बार एक ही रह जाएगा। अखिलेश यादव पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा, यूपी के दो लड़कों की जोड़ी जयंत यादव और अखिलेश यादव पश्चिम के दूसरे चरण के चुनाव को देखकर मायूसी छा गई। वह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा, पिछली सरकार में 700 दंगे हुए थे और मौजूदा सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जो लोग समाजवादी पार्टी का डिटोरा पीटते हैं वह यह नहीं जानते, जो लोग अपने परिवार को नहीं जोड़ पाए वह समाजवादी कैसे हो सकते, और कहते हैं कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि हम पिछली बार का आंकड़ा भी इस बार पार कर रहे हैं, पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना रहे हैं। अंशु श्रीवास्तव, जिला क्राइम ब्यूरो, रायबरेली। अभी उन्नाव से मैं यहां आया हूं और यहां से सदर से इसके बाद सदर जाऊंगा और दूसरी जगह और जगह जाना है। कल भी फिरोजाबाद, उसके पहले इटावा, औरैया, महोबा, झांसी और तमाम जिलों में, बरेली, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर, मेरठ, मथुरा, अलीगढ़, आज पूरे प्रदेश में भ्रमण करने के बाद मैं कह सकता हूं कि जो प्रथम चरण और द्वितीय चरण का जो परिणाम भविष्य में आएंगे, पहले ये भी जो चुनाव हुआ है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने मतदाताओं को कि बड़ी आशंकाओं को उन्होंने दूर कर दिया है और जो जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर ध्रुवीकरण करने के सपने आ रहे थे लोगों को, मैं समझता हूं कल मतदान के बाद उनको बुरे सपने आना प्रारंभ हो गए हैं और 10 मार्च के बाद और बुरे सपने आएंगे हार के। जिस तरीके से लोगों ने राष्ट्रवाद के पक्ष में और विकासवाद के समर्थन में अपने मतों का प्रयोग किया है, अभूतपूर्व है। और मैं यही कहूंगा कि आने वाले समय में भी हमारी जो विकास यात्रा है, जो हमने काम कराए हैं, उनके आधार पे निश्चित रूप में पूरे प्रदेश की स्थितियां अलग दिखाई पड़ेंगी। और मैं कह सकता हूं कि मैं रायबरेली जहां खड़ा हूं, कभी ये कांग्रेस का गढ़ रहा करता था और कांग्रेस पे ऐतिहासिक है, इसमें दो राय नहीं, 100 साल पुरानी कांग्रेस, लेकिन 100 साल पुरानी कांग्रेस जो गांधी बाबा वाली कांग्रेस थी वो नहीं है। ये एक ऐतिहासिक जर्जर इमारत हो चुकी है और जर्जर इमारत जो है अब निर्बल जो नेतृत्व के कारण कभी भी ढह सकती है, यानी रायबरेली में तो अब इस ऐतिहासिक इमारत का ढहना बिल्कुल निश्चित है। और मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस और उनकी सहयोगी दल समाजवादी पार्टी और उनकी सहयोगी दल बहुजन समाज पार्टी और उनकी सहयोगी दल MIM, ये सब मिल जाएं तब भी अब